गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने बेबी सनरोज़ के प्लांट को आपको दिखा रही हूँ। देखिए आजकल कितने खूबसूरत हो रहे हैं, इनकी ग्रोथ गर्मियों में ही होती है। बहुत सुंदर हो जाते हैं गर्मियों में, और हैंगिंग बास्केट्स के लिए तो परफेक्ट एक प्लांट है ये बेबी सनरोज़ का, जो कि कितने देखिए बढ़िया हो रहे हैं। इसमें अभी ये वाले जो मेरे दो बास्केट्स मेरे सामने हैं, ये मैं इतने खूबसूरत हो रहे थे कि मैंने इनको अंदर रूम में रखा हुआ है। अपने रूम को मैंने डेकोरेट किया हुआ है इससे। आजकल इनको वैसे तो रूम में नहीं रख सकते हैं, इंडोर प्लांट नहीं है, इन्हें बाहर ही रखना पड़ता है। बट ये वाले मेरी बालकनी के उस एरिया में लगे हुए थे जहाँ धूप नहीं आ रही थी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी बिल्कुल। तो फ्लावरिंग के लिए एक्चुअली धूप चाहिए होती है इनको, तो मैंने इनको कुछ दिन के लिए अभी अंदर रखा हुआ है, इनको वापस मैं बाहर ही रखूँगी। तो आज का वीडियो मैं इनको दिखाते हुए बना रही हूँ। बहुत ही एक अच्छा सकलेंट है, सकलेंट ही है ये, बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है सकलेंट होने की वजह से इनको। और ये बहुत ब्लूम करते हैं गर्मी समर्स में, इनमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ मैंने ट्रेज में लगाए हुए हैं और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। वो भी मैंने इसको भी आज रखा हुआ है रूम में। देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं या पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं इनको। ये देखिए जब अच्छे से धूप लगती है तभी ये खिलते हैं। ये मेरी ट्रे तो मेरे रूफ टॉप पर ही रखी हुई थी, तो वहीं पे ये खिले थे। बालकनी में रखने से ये इतनी खूबसूरत लीव्स तो हो जाती हैं, इतनी सुंदर शाइनी बढ़िया लीफ होती हैं, बट इनमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती है। जब मैं फिर भी लगाए रहती हूँ बालकनी में ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे धूप नहीं आती है, क्योंकि इसकी लीव भी मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं और कितनी शाइनी है, आप देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत लीफ है। और बिल्कुल भी एक फसी प्लांट नहीं है ये, बहुत ही एक अच्छा सा प्लांट है जिसको ज़्यादा नीड्स नहीं है, कोई बहुत मैन्योरिंग की ज़रूरत नहीं है, और पानी भी इतना नहीं चाहिए होता है सकलेंट की वजह से। मैं इसमें 2 दिन छोड़ के ही पानी डालती हूँ। मेरी बालकनी में लगा हुए हैं ये वाले जो मैं अभी दिखा रही हूँ, तो इनको तो मैं 2 दिन में ही पानी डालती हूँ। बट ये ट्रे में जो प्लांट हैं, एक्चुअली ट्रे देख रहे होंगे काफ़ी छोटी होती हैं, ट्रे में डेप्थ नहीं है ज़्यादा, तो मिट्टी भी उतनी नहीं आती है, तो इसमें तो डेली वाटरिंग मुझे करनी पड़ती है। कितने खूबसूरत से फूल आते हैं, बस यही प्रॉब्लम है कि एक पूरे साल ये अच्छे से चलते नहीं है। जो मेरी ये ट्रे सारी जो रूफ टॉप पर रखी हुई हैं, ये सारे प्लांट जो हैं जैसे ही बारिश आएंगी तो कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद ये सब खराब हो जाते हैं, गलने लगते हैं। बारिश से तो मैं इनको नहीं बचा पाती हूँ, तो बहुत मुश्किल से कुछ प्लांट्स मैं अपने बालकनी में इनको बचा के रखती हूँ, सेव करती हूँ। जब बाद में बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो फिर से इनको प्रोपोगेट करती हूँ, फिर से लगाती हूँ। प्रोपोगेशन काफ़ी इजी है। अब देखिए जैसे ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से अगर मैं इतना कट करके मिट्टी में लगा दूँ तो ये वापस एक नया प्लांट बन जाता है। तो ईजी टू प्रोपोगेट है ये, ईजी टू मेनटेन है, और हैंगिंग बास्केट्स के लिए तो एक परफेक्ट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, इसको भी लगाइए। एक समर प्लांट हम इसको कह सकते हैं, समर्स में ही क्योंकि खिलता ही है ये पूरी समर में ही आता है। इसको भी अपने गार्डन में आप इजीली लगा सकते हैं, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी लगाइए, गार्डनिंग करते रहिए। काना गार्डन देखना ना भूलिए। थैंक यू।